एंड यू आर वाचिंग एवीएस कस्टम्स। सो आज का वीडियो का टॉपिक है, ये जो मेरी एनएस 160 है जिसे मैंने अभी रिसेंटली न्यू बाय किया है, ये समझ लीजिए ऐसे मेरी एक प्रोजेक्ट बाइक भी है और देन उसके बाद मैं नॉर्मल इसको यूज भी करूँगा। तो अभी मैंने इस पर थोड़ी मॉडिफिकेशन भी करके रखी है, देखा आप देख सकते हैं मैंने ग्राफिक्स किए, आगे नकल गार्ड लगाया, वाइजर लगाया, तो वो सब चीज़ की जो वीडियो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अभी का जो मेरा वीडियो का टॉपिक क्या है कि आप विदाउट एग्जॉस्ट लगाए एग्जॉस्ट जैसी साउंड अपनी गाड़ी में कैसे ला सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो इसका एयर फिल्टर आता है हमें एयर फिल्टर का ढक्कन निकालना है, जो उसके ऊपर जो ढक्कन आता है हमें उसे बाहर निकालना है। जब उसे हम बाहर निकालेंगे तो जो साउंड आती है ना वो एकदम सुपर बग जैसी आती है। कुछ कुछ गाड़ियों में नहीं आती पर बहुत सारी गाड़ियों में साउंड वैसी आती है। तो हमने ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारी ये न्यू बाइक है, अभी इसे लेके एक महीना भी न्यू हुआ है, तो ये सब हमारा एक ही मुकाम है कि पब्लिक को सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए, पब्लिक लो बजट में भी कैसे काम करा सके वो पहुँचना चाहिए। अब कोई क्या हर जगह पे जो एग्जॉस्ट है वो लीगल नहीं है, तो एग्जॉस्ट जब लीगल है ही नहीं तो हमें क्या करना है, थोड़ी हमको फायरिंग अच्छी होती है, मतलब हम जब गाड़ी लेके निकलते हैं चार लोग देखते हैं कि हमने वैसी गाड़ी बना के रखी है। अगर आप नॉर्मल गाड़ी लेके जाओ तो कोई देखेगा नहीं, बट आप जब थोड़ी अच्छी खासी गाड़ी लेके जा रहे हो तो चार लोग आपको देखे, आपको नोटिस करें, इसलिए आप एग्जॉस्ट लगाते हो। पर एग्जॉस्ट में क्या है, आप कहीं निकले तो जो फाइन बार आपको फाइन लगना है कन्फर्म है, और पब्लिक को तकलीफ होगा अलग से। पर जो फिल्टर हम निकालते हैं तो फिल्टर निकालने से क्या होता है कि ज़्यादा उतना पब्लिक को परेशान करे ऐसे साउंड भी नहीं आती, प्यारे साउंड आती है। और जो साउंड निकलती है ना फिल्टर गैस से वो गजब की निकलती है, मतलब जैसे कि पब्लिक नोटिस ही करेगी, और उसका कोई चालान भी नहीं है ना उसका कोई फाइन है, कुछ भी नहीं है। सो ये है मेरी पल्सर NS BS6 160। तो मैंने इस पर मोड करके रखे, मैंने इसे एक अच्छी खासी गाड़ी बना के रखा है, नई गाड़ी है। जैसे मैंने शोरूम से लाया मैंने मुश्किल से 5-6 दिन सिर्फ इसमें नॉर्मल चलाया, एंड देन उसके बाद मैंने इसमें अब काम चालू कर दिया। तो इसके जो मैंने काम किया है उसके लिए मैं सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा, बट अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं एयर फिल्टर के टॉपिक पे बना रहा हूँ कि मैंने एयर फिल्टर क्यों निकाला, कैसे निकाला, उसकी साउंड आपको सुनाऊंगा। तो वीडियो को चालू कर दे। तो आप पहले इसका स्टॉक साउंड सुन लीजिए कैसे आता है NS में 160 में। गाड़ी का स्टॉक साउंड है, अब हम इसे थोड़ा चेंज करेंगे साउंड को, अब ये साउंड सुन लीजिए और जो बाद में साउंड आएगा उसे सुनना। सो, पहले हमें ये दोनों सीट रिमूव करनी है, तो सीट रिमूव करने के लिए यहाँ जो इसका लॉक दिया है NS में, इससे करने जो हमारे रियर सीट निकल जाएगी। अब इस सीट को निकालने के लिए यहाँ 10mm का बोल्ट दिया, 10mm का बोल्ट दिया, इन दोनों बोल्ट को हमें खोलना है। अब ये बोल्ट खोलने के बाद जो सीट है वो हमारी रिमूव हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं हमें जो ये फिल्टर का ढक्कन है हमें इसे निकालना है, जिससे हमारी जो साउंड है वो एकदम अच्छे से आएगी, जो है जैसे हमने एग्जॉस्ट हम लगा नहीं रहे पर एकदम एग्जॉस्ट साउंड आएगी। तो उसको खोलने के लिए भी हम दोनों पैनल भी निकाल लेंगे सेफ्टी के लिए, कि हमारी बाइक जो न्यू हम नहीं चाहते कि इसमें कुछ ब्रोक हो, इसलिए भाई हम ये पैनल खोलेंगे। सो पैनल खोलने की प्रोसेस में एक स्क्रू यहाँ है एंड सेम स्क्रू नीचे है, और दोनों जैसे स्क्रू दोनों की पोजीशन है सेम पोजीशन वहाँ भी है, वो दो स्क्रू ये दो स्क्रू खोलेंगे तो हम जब पैनल को ऐसे पुल करेंगे बाहर तो पैनल हमारा रिमूव हो जाएगा। अब मिलते हैं दोनों पैनल खोलने के बाद। सो अब जो है हम इसे टैंक निकालने चालू करते प्रोसेस, तो टैंक निकालने के लिए एक 12mm का बोल्ट यहाँ दिया है, सेम इस साइड बोल्ट दिया 10mm का, एंड देन एक यहाँ बोल्ट दिया है, ऐसे हम जब इसको प्लास्टिक को अंदर दबाएंगे तो इसका बोल्ट दिख जाएगा। हमें यहाँ 30 पैनल लगाना पड़ेगा 12mm का, एंड देन उसके बाद एक 10mm का बोल्ट आप देख सकते हैं यहाँ दिया है, और एक 10mm का बोल्ट यहाँ दिया है। तो ये सब इसमें 5 बोल्ट दिए, ये 5 बोल्ट देंगे तो खोलेंगे हम जब उसकी टैंक जो रिमूव हो जाएगी। अब सीधा मिलते हैं टैंक रिमूव होने के बाद।
आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने इसका टैंक पूरा रिमूव क्यों नहीं किया। तो टैंक मैंने इसलिए रिमूव नहीं किया क्योंकि BS6 गाड़ी है एंड BS6 सब गाड़ी में फ्यूल पंप आता है। सो कार्टर वाली गाड़ी में कैसा होता था, BS4 मॉडल में दो पाइप आती थी टैंक के अंदर, एक पेट्रोल पाइप एंड एक एयर की पाइप। हम दो पाइप निकाल देते थे तो हमारी जो टैंक है वो रिमूव होती थी। बट इसमें कैसा है, इसमें पूरी मोटर आती है, उस मोटर के लिए एक पाइप आती है जिसमें दो लॉक्स लगे रहते हैं, एक इंजेक्टर साइड में एंड एक फ्यूल पंप साइड में। तो बहुत से लोगों को लॉक समझ नहीं पाएंगे कि वो लॉक को कैसे निकालना है, और जो लोग समझ जाएंगे तो कभी कभी बाय मिस्टेक क्या होगा कि लॉक निकालने के चक्कर में एक तो लॉक टूट जाएगा या फिर कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो फ्यूल पंप की नॉब है वही टूट जाएगी। अगर आपका लॉक टूट गया तो आपको नई पाइप परचेस करनी होगी, बट अगर आपका फ्यूल पंप टूट गया तो आपकी जेब को मोटा खर्चा बैठने वाला है। सो इसीलिए ईजी वे यही है कि आपको टैंक को थोड़ा टिल्ट करना होगा दोनों साइड में, तो आपके जो फ्यूल फिल्टर के स्क्रूज है वो ईजीली निकल जाएंगे। तो अभी हमने टैंक को थोड़ी क्रॉस करके इसका स्क्रू हम खोल ले रहे हैं। इससे आपको बड़ी सेफ्टी से खोलना होगा, ये अंदर ना गिर जाए। तो हमें दूसरा हाथ को हमें जगह दिया है तो अब हम स्क्रू को निकाल लेते हैं। तो ऐसा स्क्रू आएगा और सेम उस साइड भी आएगा ऐसा स्क्रू, दोनों स्क्रू में निकालना है। तो ये वाला सेक्शन भी टैंक क्रॉस करके निकला है। BS6 में थोड़ी तकलीफ तो हो रही है, कोई नहीं, हम सब तकलीफ तो आसानी से झेल लेते हैं। अब जो हमारा फिल्टर बॉक्स है वो निकल जाएगा। तो हमारा फिल्टर बॉक्स जो ऐसे आता है ना इसका, और हमारा फिल्टर है। अब गाड़ी हमारी नहीं है तो हम तो फिल्टर चेंज नहीं करेंगे ना इसको साफ करेंगे। तो देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा ही कचरा है, पर हमारा फिल्टर एकदम फ्रेश नया है, इसे वापस ऐसे लगा देते हैं। पर इसमें ओरिंग टाइप में आती है इसकी पैकिंग, इसे अब हमेशा याद से सही से लगाना। अब जो है फिल्टर प्रॉपर लग चुका है। अब जो ये फिल्टर है हम इसे ऐसे छोड़ देंगे तो ये गिर जाएगा, हमें इसे गिराना नहीं है। जो हमारे जूने स्क्रू निकले थे हमें ऐसे इसमें वापस से लगा देना है चारों स्क्रू। अगर आप चाहे तो आप दो भी लगा सकते हो, पर मेरे जो स्क्रू है वो ओरिजिनल है और मैं हमेशा अपनी बाइक्स में ओरिजिनल स्क्रूज लगाता हूँ। अगर मेरे कोई बोल्ट स्लिप भी हो गए देखे तो मैं जाके उसे ओरिजिनली लेके आता हूँ। अब मैं चारों स्क्रू उसी में वापस से लगा दे रहा हूँ जहाँ इसके प्लेसमेंट थे, बस हमें फिल्टर का जो बॉक्स था ढक्कन उसे हमें लगाना नहीं है। तो वापस से मैं अपने चारों स्क्रू अपने जगह पर लगा दे रहा हूँ, जिससे तो फिल्टर गिरेगा नहीं, अपनी जगह पर रहेगा। एयरफोन्स लगा दो क्योंकि स्पीकर में जो गाड़ी की साउंड है वो प्रॉपर नहीं आएगी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि स्पीकर में साउंड कैसे आ रही है। एयरफोन्स में साउंड प्रॉपर आएगी। तो भैया कान में एयरफोन लगा लो, हम जा रहे गाड़ी स्टार्ट करने। पर गाड़ी यहाँ स्टार्ट क्यों होगी, गाड़ी वीडियो में स्टार्ट होगी। तो जैसे कि आप साउंड सुन सकते गाड़ी का, अब साउंड में थोड़े चेंजेस आ गए, आप सुनिए।
अब जो साउंड जो है गाड़ी का वो चेंज हो चुका है, अब सीधा इसको मिलता है फिटिंग करने के बाद और हम इसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे। अब टेस्ट ड्राइव में साउंड सुनना है कि क्या ही गजब की साउंड आ रही है।